Press the bell icon of the ePaathshala channel and never miss another update. Hey guys, welcome back to your channel ePaathshala and this is your Vijay here. और बहुत बहुत दोस्तों आपका स्वागत है ePaathshala के चैनल में. दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अब हम क्लास 10th की सिविक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं. 10th क्लास की सिविक्स के अंदर दोस्तों हम सारे चैप्टर कवर करेंगे जिसमें से हिस्ट्री के चैप्टर पहले ही अपलोड हो चुके हैं 10th क्लास के, और अब हम सिविक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी. दोस्तों वीडियो के 3 पार्ट हैं, ये वीडियो का पहला पार्ट है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे अध्याय के अंदर हम लोकतंत्र से स्टार्ट करेंगे यानी कि डेमोक्रेसी से स्टार्ट करेंगे, और डेमोक्रेसी के साथ साथ स्टार्ट करते हुए हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि कैसे शक्तियाँ बांटनी चाहिए. तो 2 एग्जाम्पल इस चैप्टर के अंदर आपको बताने की कोशिश करी गई है बेल्जियम और श्रीलंका के थ्रू. बेल्जियम जो है दोस्तों एक अलग यूरोप देश है, और जो श्रीलंका है वो हमारा द्वीपीय देश है, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उसमें बताने की कोशिश करी गई है. और साथ में आपको इंडिया का एग्जाम्पल भी बताऊंगा जिसमें सत्ता का बंटवारा होता है यानी कि पावर शेयरिंग होती है. दोस्तों इस पूरे चैप्टर का अंदर जो टॉपिक बना रहेगा यानी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बना रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ बेल्जियम और श्रीलंका की 2 इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके बिहाफ पर 10th स्टूडेंट को बताया हुआ है कि कैसे शक्तियों को बांटा जा सकता है. और उसी के साथ साथ अगर लोकतांत्रिक सत्ता यानी कि इंडियन डेमोक्रेसी की अगर बात कर ले या डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर ले, अगर उस शक्ति को बांटती है, पावर शेयरिंग करती है, तो उनकी डिमांड्स को कैसे हैंडल करती है वो. ठीक है, मतलब अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर पावर शेयरिंग होती है तो उनकी डिमांड जो होती है, चाहे कुछ भी हो वो डिमांड, उन डिमांड को कैसे टेक केयर करती है, कैसे हैंडल करती है, हम पावर शेयरिंग के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे. इवन हम ये भी सोचेंगे कि यार अगर पावर शेयरिंग है यानी कि शक्तियाँ अगर बंटनी चाहिए तो उसकी हमें ज़रूरत क्यों है, क्योंकि वाई वी नीड टू शेयर पावर शेयरिंग, है ना. हमें ज़रूरत क्यों है पावर शेयरिंग की डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, सत्ता में हमें शक्तियों को बांटने की ज़रूरत है क्यों, और अगर शक्तियाँ बट भी रही है तो उसके कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, वेरियस फॉर्म्स हो सकते हैं शक्तियों के बांटने के. हॉरिजेंटल हो सकते हैं, वर्टिकल हो सकते हैं, नॉर्मल लोगों के बीच में होता है, प्रेशर ग्रुप होता है, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो हम इस चीज़ के अंदर समझने की कोशिश करेंगे. आप याद रखिएगा शक्ति दैट मीन्स पावर. और आप सभी को ये जानने से पहले एक चीज़ जानना ज़रूर होगा कि ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो ग्रेट पावर विद कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अगर हमारे पास जितनी ज़्यादा पावर होगी वो उतनी ही ज़्यादा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है. पावर को किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना देकर हम उसको स्मॉल अमाउंट लोगों के बीच में शेयर कर दें या कैटेगरी के बीच में शेयर कर दें, उसे ही हम पावर शेयरिंग का नाम देते हैं. ये मैंने शॉर्ट शब्दों में बताया, बाकी हम चैप्टर के थ्रू जब जाएंगे तो उसमें भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट 1 by 1 पावर शेयरिंग के अंदर. सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में स्टार्ट करेंगे. ज़्यादा ओवरव्यू देंगे नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा, हम 3 पार्ट के अंदर पूरा कवर कर देंगे और उसके थ्रू आप बहुत अच्छे से पावर शेयरिंग समझ सकते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट बेल्जियम. दोस्तों यूरोप के एक छोटा सा देश है बेल्जियम. अगर आप बेल्जियम को देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल जो है ना दोस्तों, या उसकी जो जनसंख्या है वो लगभग हरियाणा की जनसंख्या की आबादी की आधी है. 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा जनसंख्या बेल्जियम की देखी गई है. और जबकि अगर हम हरियाणा की बात करें दोस्तों, तो हरियाणा की जो टोटल पॉपुलेशन है लगभग 2011 के हिसाब से अभी ये है, ठीक है, 18वें रैंक पर इनकी पॉपुलेशन है अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए तो. ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, मतलब यूरोप का छोटा सा देश है हरियाणा के राज्य में, तो काफ़ी छोटा ही है ये. अब यहाँ पर अगर देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से तो हरियाणा इससे बहुत बड़ा है. इसकी सीमाएं जो बोली जाती है बाउंड्रीज, वो नीदरलैंड से टच में है, जर्मनी से टच में है, लग्जमबर्ग है और फ्रांस है.
ये इसके पड़ोसी देश हैं दोस्तों, और यहाँ पर पड़ोसी देश होने के नाते ये इनके साथ सीमाओं को साझा करते हैं। ठीक है, बेल्जियम की जो कैपिटल है दोस्तों आपको याद रखनी है, ब्रुसेल्स बोला जाता है इसे। यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज डच है, फ्रेंच है, जर्मनी है। ठीक है, रिलीजन यहाँ पर 60% लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, 5.2% इस्लाम है और 2.1% अदर कैटेगरी के लोग भी रहते हैं। ये कंपैरिजन था कहीं ना कहीं, अगर हम देखें कि अगर शक्तियों को बांटा जाना चाहिए तो कहीं ना कहीं तीन लोगों के बीच में ही बांटा जा सकता है, जबकि सेम क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या में ज़्यादा हमारा हरियाणा है। चंडीगढ़ उसका कैपिटल है, आप देखें कि 1966 के अंदर इसे स्टेटहुड बनाया गया था। एट प्रेजेंट टाइम सरकारें बदलती तो रहती हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर आपके मनोहर लाल खट्टर है यहाँ पर, आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। ये यहाँ पे जीके को भी ठीक करता है। इसकी डेंसिटी आप देख सकते हैं, ये है डेंसिटी रैंक इसका, ये है एट प्रेजेंट टाइम। लेकिन हमें बेल्जियम के बारे में ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। बेल्जियम की एक खासियत क्या है, बेल्जियम के अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए तो बेल्जियम के क्षेत्रफल को इंटरेस्टिंग रूप में बांटा गया है। उसके देश की कुल आबादी के अंदर अगर एथनिक ग्रुप की बात करी जाए, जिसमें अलग अलग जाति यानी कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो आप देखेंगे कि जो 59% जो इलाका है वो फेमिनिश कम्युनिटी के इलाके हैं। 59% अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो 59% फेमिनिश कैटेगरी के लोग यहाँ पे रहते हैं। और फेमिनिश कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 59% जो इलाका है फेमिनिश इलाका, वहाँ पर डच स्पीकिंग पीपल है। जबकि वेनिलिया करके एक जगह है, आप देखेंगे कि वेनिलिया करके जगह है, और यहाँ पर आपको फ्रेंच कम्युनिटी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये 40% मिलेगी, मतलब समझ रहे हैं, 59% डच स्पीकिंग पीपल है जो फेमिनिश इलाके में रहती है, 40% जो है वो फ्रेंच कम्युनिटी है जो वेनिलिया इलाके के अंदर रहती है। बाकी रेस्ट पार्ट अगर देखें हम, 1% जो है दोस्तों वो जर्मनी है, जो जर्मनी स्पीकिंग पीपल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गई पूरे के पूरे क्या कहते हैं मेन इलाके की बात हो गई। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरी तरीके से जो मेन स्पीकिंग बोली जाती है वो डच बोली जाती है, जो फेमिनिश इलाके के अंदर बोली जाती है संख्या में ये लोग ज़्यादा है। अगर आप देखें 59% संख्या में ये लोग ज़्यादा है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल 40% है और जर्मन स्पीकिंग पीपल 1% आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों शक्ति का बंटवारा करने का मतलब वही होता है पावर शेयरिंग, यानी कि शक्तियों को बांट दो तो उससे क्या होगा कि पावर शेयरिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें फ्रेंच जो स्पीकिंग पीपल है वो संख्या में क्या कहते हैं कम है, लेकिन वो ज़्यादा प्रॉस्पर है, स्ट्रॉन्ग है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका कहीं ना कहीं ज़्यादा है। शिक्षा के लेवल में, एजुकेशन के लेवल में डच लोगों से बहुत ज़्यादा है, जबकि डच लोगों की संख्या कम है, लेकिन यहाँ पर डच लोगों को इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं पावर नहीं मिली हुई है स्टेट्स के अंदर। आप देख सकते हैं संख्या में ये लोग ज़्यादा हैं डच लोग, लेकिन क्या कहते हैं वो फ्रेंच के मुकाबले में थोड़ा सा शक्ति में कमज़ोर है। तो इसी वजह से डच स्पीकिंग पीपल में और फ्रांसीसी स्पीकिंग पीपल में यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के अंदर हमेशा कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ होती रहती हैं, मतलब टकराव जैसी स्थिति बोल सकते हैं वो कहीं ना कहीं होती ही रहती है। ये वो इलाके हैं जो फेमिनिश इलाका है, और उसके बाद वेलोनिया करके जो इलाका है वो इलाके हैं जहाँ पर इनके बीच में कहीं ना कहीं तनाव पैदा होता रहता है शक्तियों को लेकर, क्योंकि संख्या में थोड़े ही बहुत ऊपर नीचे हैं ये, तो शक्तियाँ दोनों को एक पल मिलनी चाहिए। अब अगर बात कर ले उसी बेल्जियम की कैपिटल के बारे में, तो सिटी ऑफ ब्रुसेल्स आप देखने को मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर सिटी ऑफ ब्रुसेल्स के अंदर आप अगर आप देखेंगे तो इसमें दो ही कैटेगरी के लोग रहते हैं। 80% लोग जो है दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें 80% लोग यहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है 80% लोग यहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं 20% लोग यहाँ पे डच बोलते हैं। तो ये उसका उल्टा हो गया। वहाँ पर अगर आप बात करें फेमिनिश इलाके में तो वहाँ पर 59% लोग थे, लेकिन अगर कैपिटल की बात कर ले तो कैपिटल में इन्हीं की जनसंख्या जो हो गई 20% हो गई, और वहाँ पर 40% थे
कहाँ पर, वेलोनिया करके इलाके में। लेकिन अगर कैपिटल की बात कर ली जाए दोस्तों, तो कैपिटल के अंदर ये लोग 80% है। तो कहानी यहाँ पे जो कैपिटल है उसमें कहानी उल्टी है। अगर कहानी यहाँ पे उल्टी है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी जो ब्रशल्स के अंदर जो देखा जा रहा है, यहाँ पर भी एक अलग प्रकार की समस्या है। यहाँ पे डच बोलने वाले लोगों के हिसाब से क्या कहते हैं, यहाँ पे फ्रेंच पीपल ज़्यादा है, और यहाँ पर फ्रेंच पीपल ज़्यादा धनी और ज़्यादा समृद्ध है, और वहाँ पर अब डच लोग ज़्यादा कमज़ोर हो गए, है ना। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो फिर यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है। डिस्प्यूट सिर्फ इसी चीज़ का है कि पावर शेयरिंग, कि पावर अगर इनके बीच में शेयर करी जाएगी, जो पावर सिस्टम शेयर करा जाएगा वो किस हिसाब का होना चाहिए। क्योंकि जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, अगर वो 59% फेमिनिस्ट इलाके के अंदर रहते हैं तो उनकी पावर ज़्यादा होगी, और जिनकी संख्या कम है तो सिंपल सी बात है उनकी पावर कम होगी। तो ये इतिहास ऐसा ही है, जो लोग संख्या में ज़्यादा होते हैं वही राज करते हैं, जो लोग संख्या में कम होते हैं वो कम राज करते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ अपोजिट देखी जाए कैपिटल के अंदर, तो कैपिटल के अंदर जो मेजोरिटी पीपल है वो माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं, जो माइनॉरिटीज़ पीपल है मेजोरिटी के अंदर आ जाते हैं। तो देखते हैं इस सिस्टम को कैसे इन लोगों ने ठीक करा होगा। एंड देन दूसरी बात कर लेते हैं हम श्रीलंका की। दोस्तों श्रीलंका एक ऐसा देश है, जो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, द्वीप में है श्रीलंका, आपको पता ही है। श्रीलंका के अंदर जहाँ पे माता सीता को उठा के लेके गया था रावण, और उसने अपनी खुद की लंका बनाई थी, और इसी वजह से वो बहुत फेमस हुआ श्रीलंका। चारों तरफ क्या कहते हैं, पानी से कवर है ये, दैट इज़ वाई इसीलिए इसे चुना गया था इस प्लेस को, कि दूसरे बाहर के लोग यहाँ पे आक्रमण नहीं कर सकते। तमिलनाडु के दक्षिण कोस्टल इलाके के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे ये इलाका स्थित है। इसकी जनसंख्या अगर आप देखें तो लगभग 2 करोड़ ही है, 2 करोड़ की जनसंख्या अगर यहाँ पे रह रही है, तो सिंपल सी बात है ये हरियाणा के लगभग क्या कहते हैं समान ही है। वहाँ पर भी 2 करोड़ की जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। दक्षिण एशिया के अंदर अगर देखा जाए तो श्रीलंका की आबादी के भी कहीं ना कहीं एक पहलू हमें देखने को मिलते हैं। पहलू देखने को हमें ये मिलता है कि यहाँ पर भी जो एथनिक ग्रुप हमें देखने को मिलता है कि 74% सिंघालिया लोग हैं, और दूसरा क्या कहते हैं फिर 18% तमिल आ जाते हैं उसके अंदर, और बाकी दूसरे लोग आते हैं। 18% तमिल कैसे, कुछ श्रीलंकन तमिल हैं जो वहीं के रहने वाले लोग हैं, और कुछ 9.2% श्रीलंकन मोर्स है, और 4.2 इंडियंस तमिल है। तो दोस्तों यहाँ पे भी कहानी इंटरेस्टिंग है कि तमिल के बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ होती रहती है। तमिल का नंबर यहाँ पे संख्या में कम है, जैसे वहाँ पे कहीं पे डच लोगों का और कहीं पे फ्रेंच लोगों की संख्या कम थी। इसका कैपिटल आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पे कैपिटल है कोलंबो जो है उसका, दोस्तों क्या कहते हैं सबसे लार्जेस्ट सिटी है एट प्रेजेंट टाइम। ऑफिशियल लैंग्वेज सिंघाला और तमिल तो है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रिलीजन अगर देखा जाए तो 70% बुद्धिज्म फॉलो करा जाता है, 12% हिंदुज्म है, 9.7% यानी कि 9% लगभग इस्लाम है, और 7% यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है। चारों टाइप के धर्म हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पे भी शक्तियों की बात करी जाए तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तानी तमिल है, दोस्तों हिंदुस्तानी तमिल जिस समय अंग्रेज लोग शासन करते थे भारत के अंदर, उस समय से ही यहाँ पे कुछ हिंदुस्तानी तमिल जो है इंडियन तमिल जिनकी संख्या 4.2 है वो यहाँ पे आके बस गए थे और यहीं पे रहने लग गए थे, है ना। तो भारत के लोगों के कुछ संतानें श्रीलंका के अंदर भी रहती है, और इस तरीके से ये देखा जा सकता है कि श्रीलंका के नक्शे पर अगर गौर करा जाए तो श्रीलंका के अंदर कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से आपके मॉमडन्स लोग हैं या इंडियन तमिल्स लोग हैं दोस्तों, या मॉमडन तमिल्स लोग हैं, उनकी संख्या अलग अलग है। यहाँ पर जो सिंघालिया लोग हैं वो बुद्धिस्ट लोग, बुद्धिज्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं, बौद्ध धर्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं, और यहाँ पर जो मुसलमान लोग हैं और कुछ हिंदू लोग जो है, मुस्लिम जो है, जो मुस्लिम लोग हैं और हिंदू लोग हैं वो एक अलग अलग धर्म फॉलो करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 7% ही जो हमें ईसाइत यानी कि क्रिश्चियनिटी देखने को मिलती है वो 7% ही देखने को मिलती है। 7% ही है सिंघालिया लोग जो है, आपको बताए थे मैंने, बुद्धिज्म ज़्यादा फॉलो करते हैं। तमिल लोग दोनों भाषा बोलते हैं, तो हिंदू और तमिल दोनों ही है। तो
तो यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है कि कैसे सिंघालिया और पूरी तरीके से तमिल लोगों के बीच में शक्तियों को बांटा जाएगा, क्योंकि पावर शेयरिंग का मतलब है पावर को शेयर करना, ठीक है ना। बेल्जियम के अंदर डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में हमेशा रहता है प्रॉब्लम, और ऐसा ही श्रीलंका के अंदर कहीं ना कहीं सिंघालिया लोग और जो तमिल लोग हैं उनके बीच में हमेशा झगड़ा बना रहता है। तो दोस्तों, आने वाले पार्ट के अंदर हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर जो इनकी डिमांड्स होती है उनको कैसे पूरा करा जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। सो दिस इज इट एंड इट। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।